हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के मुठान गांव में सांसद मोबाइल स्कीम स्वास्थ्य सेवा के तहत मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पहली बार सांसद अनुराग ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए अनुपम स्वास्थ्य योजना शुरू की है। इस सुविधा के तहत बड़े अस्पतालों में होने वाले 40 तरह के टेस्ट गांव में लग रहे मेडिकल कैंप में निशुल्क करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश में एक अनूठा प्रयास है। धूमल ने कहा कि स्वास्थ्य मोबाइल वैन प्रत्येक पंचायत में जाएगी, जिसमें मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा, जिसमें 40 तरह की बीमारियों की जांच और उपचार किया जा रहा है। धूमल ने कहा कि अगले 6 महीनों में पूरे क्षेत्र में ये सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सांसद मोबाइल सेवा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है तथा अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने प्रयास संस्था के डॉक्टरों की टीम तथा तमाम पदाधिकारियों का मानवता की सेवा में अपना सहयोग व योगदान देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जिन गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को प्रयास संस्था के पदाधिकारी प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे, तो ऐसे मरीजों का भी सांसद स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत निःशुल्क उपचार किया जाएगा। उन्होंने सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से प्रयास संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वह इस सेवा का अपने गांव, आस पड़ोस तथा रिश्तेदारी में व्यापक प्रचार प्रसार करें, ताकि प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभान्वित होकर लंबे समय तक स्वस्थ व निरोग रह सके। आज सारे विश्व में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। मैं विश्व भर के डॉक्टर्स को, विशेषकर हिमाचल प्रदेश और गुवाहाटी के डॉक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के कुठेड़ा पंचायत में आज वृद्धाश्रम में एक कैंप सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत लगाया जा रहा है। इसमें नॉर्मल डॉक्टर जो आते हैं वो तो आए हैं, टेक्नीशियंस आए हैं, नर्सिस आई हैं, इसके अतिरिक्त 2 डॉक्टर दिल्ली से ऑर्थो के और नर्स के और आए हुए हैं। वो मौके पर लोगों को चेक करेंगे और कोई दिक्कत होगी तो उसका समाधान भी बताएंगे, उनको आगे इलाज कराना होगा, उनकी मदद की जाएगी। एक अनूठी योजना सारे देश में प्रारंभ हुई है। श्री अनुराग ठाकुर जो हमारे सांसद हैं, पहले सांसद हैं देश के, उन्होंने ऐसी योजना अपने इसके तहत 40 तरह की बीमारियों का मुफ्त टेस्ट होता है और उसका इलाज कराने में मदद की जाती है। सांसद महोदय को, प्रयास संस्था को, जिसके माध्यम से काम हो रहा है, उनको धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और जो लोग आकर अपने कष्ट को दूर करने के लिए इसका लाभ उठा रहे हैं उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। इस मौके पर कैंप में करीब 250 मरीज जांच करवाने पहुंच चुके थे। कैंप में दिल्ली से आए डॉक्टर भागवत, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर शिल्पा व डॉक्टर जोगिंदर ने बताया कि सांसद अनुराग ठाकुर ने मधुर व्यवहार व समाज सेवा के असली जज्बे से प्रभावित होकर वह सुजानपुर क्षेत्र के इस ग्रामीण इलाके में मरीजों को देखने के लिए सहर्ष तैयार हुए। उन्होंने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर की ऊंची सोच व लगन के कारण ही गांव लेवल पर भी ग्रामीण शहर जैसी बेहतर स्वास्थ्य जांच सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इस मौके पर प्रयास संस्था के अध्यक्ष संजीव कुमार ने मुठान वृद्ध आश्रम में मेडिकल कैंप में आने के लिए विशेष चिकित्सकों का आभार जताया व उन्हें हिमांशु टोपी पहनाकर सम्मानित भी किया। डॉक्टरों की कमी होती है या कैंप की जरूरत होती है तो डॉक्टरों के माध्यम से कैंप चलाते हैं। 2014 में जब फ्लूड आया था कश्मीर में काफी बीमारियां बढ़ गई थी फ्लूड के बाद, तो लगभग उन्होंने 40 डॉक्टर 60 दिन के लिए वहां पे अविरत कार्य करने के लिए भेज दिए थे, जिसकी स्वयं प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भी उल्लेख किया था और उनको धन्यवाद दिया था। भाई साहब जो स्वास्थ्य सेवाएं चला रहे हैं, जैसे हम डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर भागवत राजपूत, मैं न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ, सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, मणिपाल हॉस्पिटल, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, रॉकलैंड ग्रुप के साथ मैं काम करता हूँ। अगर वहाँ पे हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो अपॉइंटमेंट पे आता है तो 800 रुपए
वॉक इन आता है, जैसे आप आए हो ओपीडी में तो 1000 रुपए, इमरजेंसी में आता है तो 1600 रुपए ही चार्जेस हॉस्पिटल तय करता है। डॉक्टर राजेश है, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट है और पेन मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट है। तो जब भाई साहब ने हमें बताया कि नहीं वो इस तरह की सेवाएं चलाना चाहते हैं, तो हमारे सामने दो मुख्य समस्याएं थी। आमतौर पे क्या होता है, जितने भी आपने कैंप देखे, लोग आते हैं, जांच करते हैं, आपको स्टेथो लगाएंगे, कुछ जांच लिख के दे देंगे, दवाई लिख के दे देंगे, आप घर चले जाओगे। ना तो जांच आप करवा पाते हो क्योंकि महंगी होती है, प्राइवेट में जाओगे रिपोर्ट गड़बड़ी आएगा फिर डॉक्टर उस हिसाब से इलाज कराएगा। तो भाई साहब ने जो आमतौर पर जो बीमारियां हैं उसके साथ साथ जो खास बीमारियां हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, नसों की जांच हो गई है।